तो दोस्तों, अगर आपके भी वीडियो पर 10, 12, 15, 20, 25 इस तरीके से व्यूज़ आते हैं और दोस्तों आपका वीडियो भी नहीं चल पाता, तो दोस्तों आप सही जगह पे आए हो। क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा तरीका जिससे कि आपका हर वीडियो जो है चलेगा, उस पर अच्छे व्यूज़ आएंगे और कुछ वीडियो उसमें से वायरल भी हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों मैं ये तो नहीं कहता कि आपका हर वीडियो वायरल हो जाएगा, तो दोस्तों ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि आपका मैं कहने लगूं कि हर वीडियो वायरल हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी ट्रिक जो शायद ही किसी को पता हो, और दोस्तों ये मैंने इस बात का एक्सपीरियंस करा है क्योंकि मैंने ये ट्रिक जिस वीडियो में लगाई है उस वीडियो में बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो उसे लाइक कर देना। तो दोस्तों अभी देखो मैं बताता हूँ आपको वो ट्रिक क्या है। दोस्तों जैसे हम अपना वीडियो बनाते हैं, कोई कंटेंट बनाते हैं अपना, और दोस्तों वीडियो को अपलोड कर देते हैं, फिर हम जाते हैं दोस्तों YT स्टूडियो में, और दोस्तों फिर हम शुरू करते हैं उसमें सारा काम। जो दोस्तों सारा काम होता है वो YT स्टूडियो में होता है जब वीडियो हमारा अपलोड हो जाता है। और दोस्तों वीडियो को जब भी आप अपलोड करते हैं तो हमेशा उसे अनलिस्टेड पे रखिए, उसे प्राइवेट भी नहीं करना और आपको उसको पब्लिक भी नहीं करना, उसे अनलिस्टेड पे रखना है। और दोस्तों उसके बाद सारा काम शुरू हो जाता है। तो अभी दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा, देखो उसके बाद जो क्या करना है आपको। तो अभी यहाँ से हम दोस्तों अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लेते हैं पहले। तो यहाँ से देखिए ये हमने अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीन दिखना शुरू हो जाएगी मोबाइल पर। तो दोस्तों अब देखो यहाँ से हम चलते हैं अपने YT स्टूडियो पर। तो दोस्तों यहाँ से हम आ गए अपने YT स्टूडियो पर। तो दोस्तों यहाँ से देखो YT स्टूडियो पर आने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ से कंटेंट में आ जाएंगे हम। अब दोस्तों मान लीजिए ये वाला जो ऊपर वाला सबसे ऊपर का वीडियो है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, और मान लीजिए ये वीडियो मैंने अभी अपलोड करा है। और दोस्तों ये इसमें जो है हम एडिट पर चले जाते हैं, और इस पर अभी मान लीजिए कुछ नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन वगैरह जो सारी चीज़ें इसमें दिख रही है आपको, तो अभी ये मान लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा। तो अब दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ टाइटल आता है, तो यहाँ पर हम अपना टाइटल लिख देंगे। तो दोस्तों टाइटल क्या कैसे लिखना है आपको, टाइटल दोस्तों आपको जो भी आपके वीडियो का टाइटल है उसे गूगल में सर्च करना है, और जो ऊपर आपको सबसे अच्छे टाइटल दिखाई दे उस टाइटल को आप यहाँ पर लिख देंगे। और ज़्यादा बड़ा टाइटल भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए उसका लेंथ। तो यहाँ पर टाइटल लिख देंगे। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में यही टाइटल सेम टू सेम उतार देंगे। उसके बाद अपना इस वीडियो के बारे में आप जैसे लिखते हो वैसे लिख देना। और यहाँ देखो मैंने पॉपुलर वीडियो वगैरह सब लिखा हुआ है, सारे लिंक मैंने डाले हुए हैं इसमें, सोशल मीडिया के लिंक डाले हुए हैं, डिस्क्लेमर डाला हुआ है। और यहाँ पर ये हमारे टैग्स हैं, यानी कि कीवर्ड्स हैं, ये रिलेटेड वीडियोस के कीवर्ड्स हैं, ये भी यहाँ पर आपको लिख देने हैं थोड़े बहुत। अब दोस्तों ये काम तो हो गया। अब दोस्तों मेन काम क्या आता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब दोस्तों आपका जो भी टाइटल होगा वीडियो का, आप यहाँ से चले जाएंगे गूगल सर्च में, और दोस्तों यहाँ से रैपिड टैग्स पे क्लिक करेंगे, और दोस्तों यहाँ से देखिए रैपिड टैग्स ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों ये टैग जो होते हैं हमारे वीडियो को रैंक कराने में बहुत हेल्प करते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हम टैग पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमें जो भी हमारा टाइटल है उसे पहले हमें हिंदी में लिखना होगा। तो मान लीजिए अब ये यहाँ पर हमारा टाइटल है घर बैठे पैसा कैसे कमाएं। तो यहाँ पर देखिए घर बैठे पैसा कैसे कमाएं। तो यहाँ पर जैसे ही हम ये लिखेंगे और इसको यहाँ से सर्च कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सारे हिंदी के टैग आ रहे हैं। अब ये हिंदी के टैग हम कॉपी कर लेंगे, और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसे, और यहाँ से इसको अपने डिस्क्रिप्शन में हमें पेस्ट करना होगा। तो यहाँ से ये वाले टैग हम कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। और दोस्तों हम यही वाला जो टॉपिक है इसको इंग्लिश में डाल देंगे। तो अभी देखो यहाँ से इंग्लिश में डाल देता हूँ मैं, ये घर बैठे पैसा कैसे कमाएं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ये घर बैठे पैसा ये जो है हमने डाल दिया कैसे कमाएं। अब दोस्तों देखो इंग्लिश में भी हमने यही टाइटल डाल दिया, इसको सर्च कर लेंगे। अब दोस्तों ये सारे टैग देखो इंग्लिश में आ चुके हैं।
अब इसको हम फिर से कॉपी कर लेंगे और अपना YT स्टूडियो में चलेंगे। यहाँ से हम YT स्टूडियो पे आ जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखो, डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने यहाँ पर सारे टैग लगा रखे हैं, ये वाले टॉपिक कवर्ड इन दिस वीडियो, तो यहाँ पर ये हम पेस्ट कर देंगे और दोनों इंग्लिश वाले भी और हिंदी वाले भी दोनों पेस्ट कर देंगे। और दोस्तों ऐसे करके इसे हम एक के नीचे एक सारे लिख देंगे। अब दोस्तों यही वाले टैग हमें कुछ टैग यहाँ पर हमें अपने जो जो नीचे टैग्स का ऑप्शन होता है, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है टैग शॉर्ट रीमिक्सिंग, ये वाला ऑप्शन जो आ रहा है इस पे हमें यही वाले टैग सारे डालने होंगे। हिंदी के भी टैग डाल देंगे हम थोड़े से, और थोड़े से इंग्लिश के भी डाल देंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ 500 हम अल्फाबेट लिख सकते हैं, तो इसलिए इसमें थोड़े से टैग कम आएंगे, लेकिन आधे टैग हिंदी के आधे इंग्लिश के टैग आप इसमें लगा देंगे और वीडियो को सेव कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों वीडियो को हम यहाँ से पब्लिश कर देंगे। तो यहाँ से देखो ये पब्लिश का ऑप्शन आता है, यहाँ पर इसे पब्लिश कर देंगे हम। और दोस्तों इस तरीके से अगर आप टैग लगाओगे हिंदी और इंग्लिश के, तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपके हर वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आएंगे। बाकी दोस्तों आपके वीडियो में भी थोड़ी सी अच्छी चीज़ें आपने बता रखी हो, आपका कंटेंट बहुत अच्छा हो, तो फिर तो दोस्तों आपके वीडियो बहुत अच्छे से वायरल हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस ट्रिक को करके बताइए, अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट कर कर। और दोस्तों आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू एंड बाय बाय।